स ऑफ ड्यूरेशन इन कैपेसिटेशन ठीक है डियर फ्रेंड्स अगर हम ह्यूम की बात करते हैं ना ह्यूमन स्पम्प की तो जो ह्यूमन स्पम्प होते हैं ना वो भी एम्प्यूलरी जो रीजन है एम्प्यूला है वहां तक पहुंच जाते हैं तकरीबन तीस मिनट के अंदर ह्यूमन स्पम जो होंगे वो भी तीस मिनट के अंदर किस रीजन तक पहुंच जाएंगे जो एम्प्यूला रीजन होगा वहां तक रीच कर जाते हैं क्यों रीच करते हैं उसके रीजन पड़ नहीं है ओके डियर फ्रेंड्स एक साइंटिस्ट जिनका नेम था विलकॉक्स और उनके जो कलीग्स थे साथी थे उन्होंने 1995 के अंदर उन्होंने कहा कि जितनी भी ह्यूमन के अंदर प्रेगनेंसीज होती है ना वो किसका नतीजा होती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स का नतीजा होती है सिक्स डेज आफ्टर दी ओव्यूलेशन यानी कि इसका मतलब क्या हुआ इन्होंने कहा कि फर्ज करें कि एक जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा है वो आप इमेजिन कर लें कि वो हो रहा है तकरीबन ओव्यूलेशन इक्कीस तरीक को ओव्यूलेशन फर्ज करें कि किस स्टेट को हो रही है यानी कि रिलीज ऑफ द एग फ्राम द ओवरी टू द ओविडक्ट वो किस स्टेट को हो रही है फर्ज करना है बस इक्कीस को हो रही है अब इक्कीस को हुई ओव्यूलेशन अब इक्कीस से आगे आपने सिक्स डेज काउंट कर लें सिक्स डेज यानी कि छः दिन के अंदर अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है तो यानी कि अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी तो वो कितने दिनों में होगी वो अगले छः दिनों में हो जाएगी लेकिन इसके बाद नहीं होगी ये किनका कहना था ये इनका कहना है कि विलकॉक्स और उनके जो कलीग्स हैं उन्होंने पता लगाया कि ह्यूमन में जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं वो सारी की सारी जो प्रेगनेंसीज़ होगी वो ओव्यूलेशन के प्रोसेस के छः दिन के बाद एग के रिलीज होने के छह दिन के बाद तक वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और जितनी भी प्रेगनेंसीज है वो इसी ड्यूरेशन में क्या होती हैं पॉसिबल होती हैं और इन्होंने कुछ नहीं कहा क्लियर होगी बात यानी कि जो स्पम होगा डियर फ्रेंड्स इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो स्पर्म होगा स्पम को इस ओवीडग तक रीच करने के लिए स्पम तो तो इट्स जर्नी टू कंप्लीट इट्स जर्नी सिर्फ छह दिन के अंदर क्या करनी पड़ेगी इसको अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी जर्नी देन ही क्या होगा डियर फ्रेंड्स जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पॉसिबल होगा अदरवाइज ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं रहने वाला डियर फ्रेंड्स हमने पीछे बात की थी कि जैसे ही स्पंप एम्प्यूलरी रीजन में आते हैं वहां पर आते ही स्लो डाउन हो जाते हैं अब वो स्लो डाउन होने की रीजन क्या है वो हम जरा देख लेते हैं स्लो डाउन स्लोइंग ऑफ क्रोमोसोम डियर फ्रेंड्स क्रोमोसोम तो नहीं है यहाँ पर स्लोइंग ऑफ स्पर्म स्पर्म के स्लो होने की हम बात करेंगे यानी कि कैपेसिटेशन के प्रोसेस में अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है वो ये है कि एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था सोरेस सोरेस 1998 के अंदर सोरेस और स्मिथ इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा कि नाम लिख लें पहले स्मिथ एंड सोरेस एस ए ठीक है इन्होंने कहा कि स्पम का एम्प्यूल रीजन ऑफ ओविडक्ट में इंटर होने से पहले, ठीक है जो अनकैपेसिटेटेड स्पम होता है वो डियर फ्रेंड क्या होता है कि ओविडक्ट की जो मेम्ब्रेन होती है ना ओविडक्ट की जो सेल में ओविडक्ट जो है उसके जो मेम्ब्रेन पर सेल होते हैं ना वहां पर जाके ये क्या हो जाता है नैरोज में जाके क्या हो जाएगा डियर फ्रंट अटैच हो जाता है इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि हमारे पास जो अनकपेसिटेटेड स्पर्म है यानी कि जो भी कपेसिटेड नहीं हुआ जिसके अंदर अभी जो प्रीवियस चेंजेस पड़ी हैं वो नहीं आई तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो स्पर्म होगा वो क्या करेगा डियर फ्रेंड्स ओविडक्ट की जो वाल है वहाँ पर जो मौजूद सेल्स होंगे उन सेल्स के साथ जाकर क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा और ये जो अटैचमेंट होगी ये टेम्पोरेरी तौर पर होगी अटैचमेंट क्या होगी टेम्पोरेरी तौर पर रहने वाली है तो हम पहले इस लाइन को लिख लेते हैं कि बिफॉर इंट्रिंक एम्प्यूलरी रीजन ऑफ दी ओविडक्ट बिफॉर इंटर या एंटरिंग ऑफ स्पर्म ऑफ स्पर्म टू एम्प्यूलरी रीजन एम्प्यूलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट ओविडक्ट के एम्प्यूलरी रीजन में एंटर होने से पहले की कहानी यह होती है कि हमारे पास बेटा यहां पे जो स्पर्म होगा वो जाके कहां पे अटैच हो जाएगा आपने कहना अटैच टू अटैचिस सेल ऑफ ऑफ किसकी मेम्ब्रेन जल्दी से बोलिए वो भी की मेम्ब्रेन के साथ डिफरेंस क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे पॉइंट क्लियर है यहां तक

वाल से क्या हो जाएगा डिटैच हो जाएगा और अलग हो जाएगा क्लियर हो गया पॉइंट अब डियर फ्रेंड्स जैसे ही वहां से अटैच होगा डिटैच होते ही इसकी जो स्पीड होगी ना हाइपर एक्टिवेशन जो होगी वो अलग हो कम हो जाएगी हाइपर एक्टिवेशन कम क्यों हो जाएगी डियर फ्रेंड्स इसके पीछे एक स्टोरी है और वो है लाइफ स्पेन ऑफ स्पम्प अगर तो स्पम्प की लाइफ स्पेन को बढ़ाना है लाइफ स्पेन ऑफ स्पम्प को अगर आपको इंक्रीज करना है तो डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए आपको इसकी ये वाला जो प्रोसेस है स्पम्प की जो हाइपर एक्टिवेशन वाला इसको क्या करना है स्लो करना है तो डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो कैपेसिटेशन जो डियर फ्रेंड्स स्लो डाउन हो जाएगी किस वजह से कैपेसिटेशन स्लो डाउन हो जाएगी पहली बात के ये जो बाइंडिंग है अगर ये जो बाइंडिंग होगी ना मैं ब्रेन ऑफ ओविडक्ट के साथ ज़्यादा लंबी हो गई तो इस बाइंडिंग के ज़्यादा लंबे होने की वजह से भी क्या होगा कि हमारे पास आपने कहना है कि जो बाइंडिंग जैसी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कैपेसिटेशन क्या हो जाएगी स्लो डाउन हो जाएगी और अगर कैपेसिटेशन स्लो डाउन हो जाती है तो कैपेसिटेशन के स्लो डाउन होने से जो स्प की लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी पॉइंट क्लियर हुआ हमने क्या कहा हमने कहा कि ये जो अटैच होगा ये ओविडक्ट की मैम के साथ जाके अटैच हो गया क्योंकि ये अनकैपेसिटेटेड है अगर तो ये डियर फ्रेंड ज्यादा देर के लिए अटैच रहता है तो इसका मतलब ये ज़्यादा देर के लिए अनकैपेसिटेटेड रहेगा जितनी ज़्यादा देर के लिए अनकैपेसिटेटेड रहेगा या वहां पर अटैच रहेगा तो उतनी ज़्यादा इसकी जो स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी स्लो डाउन हो जाएगी और जितनी ज़्यादा इसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी इसका जो लाइफ स्पेन है वो उतना ही इंक्रीज हो जाएगा यानी कि मैं से अटैच हुआ तो स्पीड कम हो गई स्पीड कम हो गई तो इसका जो लाइफ स्पेन हो गया वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया और डियर फ्रेंड्स ये जो बाइंडिंग होती है ये असल में पोलिस परमी का जो प्रोसेस होता है ना दिस बाइंडिंग आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो बाइंडिंग होती है दिस बाइंडिंग ये क्या करेगा फ्रेंड्स आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये ब्लॉक करती है ब्लॉक पोलिस परमी यानी कि एक से ज्यादा जो स्पर्म है अगर वो जाके एक्सल को फर्टिलाइज कर देते हैं तो हम उसको कंडीशन को नाम देते हैं पोली स्पर्मी तो उस कंडीशन से बचने के लिए जो स्प होते हैं डियर फ्रेंड्स उसको इस तरह से डील किया जाता है पॉइंट क्लियर है यहाँ तक दूसरी बात यहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये होती है कि जो स्पम की लाइफ स्पेन को बढ़ाना और बढ़ाने में जो स्पम की स्पीड है उसको स्लो करने का एक फायदा तो ये भी होता है कि अगर ओव्यूलेशन का प्रोसेस अभी नहीं हुआ ठीक है ओव्यूलेशन का अगर प्रोसेस थोड़ा लेट है तो ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लेट होने से क्या है कि डियर फ्रेंड्स स्पम्प्स को क्या कर दिया जाएगा स्लो कर दिया जाएगा ताकि जैसे ही एक्स सेल रिलीज़ हो एग सेल का रिलीज़ होते ही जो spums, LL, ये जो स्पम्प्स सेल हैं ये जाके कर एक्सेल को क्या कर सकें फर्टिलाइज कर सके तो होप्स वो so, आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है ये फ़ायदेमंद होता है अब डियर फ्रेंड्स एक और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि पोलिस परमि से मैंने कहा कि ये बचा जाएगा पोलिस परमे से बचा जाता है इसको एक एक्सपेरिमेंटली तौर पर प्रूव किया गया तो डियर फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि जो तो काउ थी ना काउस के अंदर ओविडक्ट का एक रीजन जिसको हम नाम देते हैं एस्थमस का नाम देते हैं क्या नाम देते हैं एस्थमस जो रीजन होता है जहाँ पे जाके इन्होंने अटैच हो जाना होता है आपके पास जो स्पम्ब्स हैं स्पम्ब्स में कहा न कि ओविडक्ट की मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन के इस हिस्से पे जाके वो अटैच होते हैं तो डियर फ्रेंड्स जैसे ही इस हिस्से को ना रिमूव किया जाता है काउस के अंदर तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पर बहुत सारे हमें पोलिस फर्मी के केसेज देखने को मिलते हैं बहुत सारे केसेज ऐसे देखने को मिलते हैं पोलिस फर्मी के यानी कि बहुत सारे स्पम्प एट अ टाइम मूव करते हैं जब वो एट अ एट अ टाइम मूव करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो जाके एग सेल को तंग करेंगे फर्टिलाइज़ कर देंगे और जब फर्टिलाइज़ करेंगे तो अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे स्पीशीज़ के अंदर तो सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो पोलिस पर्मी होती है पोलिस परमी से बचने के लिए क्या की जाती है इस पम्प की स्पीड को स्लो किया जाता है और दूसरी चीज़ अगर ओव्यूलेशन अभी तक नहीं हुई तो ओव्यूलेशन के प्रोसेस तक रुकने के लिए ये स्पम्प क्या कर, कर दिए जाते हैं उस या मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर दिए जाएंगे ताकि इनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए लाइफ से बढ़ जाए और डियर फ्रेंड दूसरी चीज की जो स्पीड है वो क्या हो जाए स्लो डाउन हो जाए अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स एक तीसरे स्टेप के बारे में दैट इज द हाइपर एक्टिवेशन